नमस्कार दोस्तों पिछला वीडियो देखने के बाद एक बुनकर दोस्त ने हमें ईमेल किया उसने बताया कि वो एक समस्या से जूझ रहा है समस्या उसकी थी कि उसे पता नहीं चल पा रहा था कि उसे लाभ कितना हुआ पिछले साल या हानि कितनी हुई उसने अपनी कुछ संख्याएं हमें बताने की कोशिश करी कि उसने धागे पर कितना खर्च किया उसने लूम खरीदने में कितना खर्च किया उसने एक नया कारखाना लगाया था उसकी साल की आय क्या हुई थी उसके अन्य खर्चे क्या थे बिजली से रिलेटेड पानी से जुड़े हुए खर्चे वो ये भी जानना चाहता था कि क्या वो जो ख़र्चे उसके हुए और जो जो उसकी आय हुई वो एक सही अनुपात में सही प्रपोर्शन में थे या नहीं थे हमें उसकी मदद करनी है कि वो उसने उसका लाभ हुआ या नहीं हुआ हानि हुई या नहीं हुई अगर हुआ तो कितना हुआ और उसका प्रतिशत किन किन खर्चों का कितना था वो हमें देखने की ज़रूरत है तो हम क्या उसकी मदद करेंगे उसकी मदद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं इन नंबर्स को जो आपकी स्क्रीन के साइड में दिखाए जाएंगे उन नंबर्स को आप देख कर हिसाब पेन और पेपर पर पे लगा सकते हैं एक रास्ता आपके पास ये है दूसरा रास्ता है कि आप कैलकुलेटर की मदद लेके उसको कर सकते हैं तीसरा और आसान रास्ता होगा जो हम एक्सेल एक सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ़्ट बनाता है उसका एक एप्लीकेशन आपके मोबाइल में भी होता है उसके माध्यम से भी हम देखेंगे कि उसे कैसे हिसाब लगाया जाए तो आइए हम नंबर्स को देखते हैं कि नंबर्स उसके क्या क्या थे उसने बताया कि पिछले साल उसने लूम पे लगभग एक लाख रुपए खर्च किया उसने बताया कि उसने वीविंग फीस पर लगभग डेढ़ लाख रुपए खर्च किया वीविंग फीस का मतलब जो उसके पास बुनकर भाई काम कर रहे थे उनको जो उसने जो हम सामान्य भाषा में वेजेस बोलते हैं उसे हम वीविंग फीस बोल रहे हैं वीविंग फीस के तौर पर उसने लगभग डेढ़ लाख रुपए के आसपास खर्च किया पिछले साल उसमें जो नए लूम लिए थे अपना कारखाना लगाने के लिए उसमें लगभग चार लाख रुपये उसका खर्च हुआ लगभग उसने बीस लूम वहाँ पर लिए थे कारखाने के किराए पर उसने लगभग एक लाख बीस हज़ार रुपये खर्च किया उसने किराए की जगह पर अपना कारखाना लगाया था उसके अन्य खर्च लगभग तीस हज़ार रुपये थे और उसने हमें बताया कि उस साल उसकी वार्षिक आय जो थी वो लगभग सात लाख रुपये थी उसने बहुत सारे बायर्स के साथ में कॉन्टैक्ट किया था और अपना बिज़नेस बढ़ाने की कोशिश करी थी तो अब हमें उसकी मदद करने है बताना है कि क्या उसे लाभ हुआ क्या हानि हुआ अगर उसे हानि हुई तो कितनी हुई लाभ हुआ तो कितना हुआ हमें उसको ये भी बताना है कि उसके जो धागों का खर्च है वो उसके बिज़नेस का कितना हिस, प्रतिशत हिस्सा था ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि उसे पता चले कि जब स्टैंडर्ड बिजनेस होते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल का खर्चा बिज़नेस के खर्चे का कितना प्रतिशत होता है वो उसको जानना चाहता है ताकि अगर उसे अभी लाभ हुआ तो वो इसे पता रख सके कि अगले साल उसका बिज़नेस अगर सात लाख से चौदह लाख की तरफ जाता है तो वो सही दिशा में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका बिज़नेस तो बढ़े लेकिन उसके खर्चे का अनुपात ज़्यादा बढ़ जाए तो वो हानि की तरफ चला जाए जो उसे पता ना चले बाद में तो हम लोग मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपसे अनुरोध करूंगा कि अगला वीडियो देखने से पहले आप इसको हिसाब लगाने की कोशिश करें अगर आप कंप्यूटर का उपयोग जानते हैं मोबाइल का उपयोग जानते हैं तो आप मोबाइल पर करें अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है आप पेन और पेपर पर इसको हिसाब लगाने की कोशिश करें तो अगले वीडियो में हम इसके समाधान को देखने की कोशिश करेंगे धन्यवाद